कोई बयान नहीं है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का बयान वहाँ तक तो हम लोगों की मौजूदगी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर रिहा करवाने में लगे हुए हैं, लेकिन अंदरूनी जो बात है आर्मी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर कर रहे हैं भाई, उनके बंदे फंसे हुए हैं। हो सकता है कि इनकी छुट्टी बीच में खत्म हो गई हो, ये घर जाने वाले होंगे, ड्यूटी पे जाने वाले होंगे, लेकिन वो तो ढूंढ रहे होंगे कि मेरा जो हीरो था वो गया कहां। इन लोगों ने जान लिया कि वो आर्मी का जवान है, तो इन लोगों ने ऐसा ऐसा दफा लगाना शुरू किया कि उसका नौकरी खत्म हो सके, उसका नौकरी खत्म कैसे हो जाए, करियर कैसे खत्म। लेकिन राधा मोहन के साथ केवल पत्रकार ही नहीं, यहाँ के आम लोग ही नहीं, पूरा देश खड़ा है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात क्या रिया हो। इनसे सवाल आपसे ये है कि आज पता चला था रिया होने वाले हैं लेकिन रिया नहीं हो पाए। देखिए कानून के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है, कानून के ऊपर सवाल हम नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, तो जब प्रक्रिया पूरी होगी तब तो करेंगे। आपको नहीं लगता कि ये जो कानून चलाने वाले लोग, अरे मैंने बोला ना कि ऐसा ऐसा दफा लगाया गया होगा ना, हमारे एसपी महोदय अभी छुट्टी पे हैं, कल उनके साहब उनके ऑफिस आदि आवास के पास गए थे जी, बाद में उस पर बात कर लिया जाएगा। सर के आवास पे हम लोग लगभग, मैं पूर्णिमा भारती अनिकेत भैया और बाकी लगभग सेना के जो जवान पूर्व जवान बैठे हुए सब लोग गए थे और वहाँ मिलने के लिए गए थे, लेकिन गेट पर मुंह तक के चलाए, एसपी साहब बाहर नहीं निकले, पता है क्या है, क्या की छुट्टी पर है, वो आएंगे तब लोग कुछ होगा। देखिए कोई कहीं भी लोगों को लगता होगा कि हम लोग इस आंदोलन को बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो ये उनकी भूल है। हम लोग यही के हैं, चंपारण के धरती पे जन्म लिए, यही पे पैदा हुए, यही पे पले पोसे, ये तो ही घर से धान चारू मंगवा के खाएंगे। लेकिन रिहा करवाइए के जाएंगे, ये वादा है सभी लोग। संजीत भाई आपसे एक वादा लेना चाहेंगे, आपसे वादा लेना चाहेंगे, अगर आप इस मुहिम में शामिल हुए हैं, आर्मी जवान का रिहाई होगा, रिहाई होने के बाद में उनका वर्दी उतरेगा, और इतना ही नहीं, जिस पत्नी को, जो हमारी बहन है काजल, उसका दुपट्टा छीना गया है, उसका मंगलसूत्र छीना गया है, उसका अंगूठी छीना गया है, क्या आप वादा करते हैं, क्या आप लोग वादा करते हैं कि उसका इज्जत वापस दिलाइएगा? देखिए उसके लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, वही बात बोल रहे थे, इस मामले को लेकर हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, जब तक उस वर्दी की गर्मी उतर नहीं जाती है तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं, छोड़ने वाला नहीं। बाकी दुपट्टा खींचा गया है नई नवेली दुल्हन बीच सड़क पे, नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी उसके हस्बैंड के सामने, उसके हस्बैंड को उसके सामने उसके हस्बैंड को मारा जाता है, वो भी मारा ही नहीं जाता, दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। मारने का अधिकार आपको किसने दे दिया भाई? अगर अपराधी भी है तो आपको कोर्ट से पहले ऑर्डर लेना पड़ेगा, तब हम मार सकते हैं। ऐसा सुनने को मिला है कि रसकोल के अंदर वाहन चेकिंग के दौरान आम लोगों को गाली भी दिया जाता है। अभी हमको बिहार की बात करिए ना, पूरे बिहार की रसकोल का बात नहीं है, कभी हमको देखे देखे पिछवाड़ा में जो डंडा लेके घूमता ना, पिछवाड़ा में डाल देंगे वैसे वैसे दरोगा। यहाँ के आम लोगों से बात किया तो पता चला कि गुमटी चोर को ये लोग नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन आर्मी को जवान कितना बेरहम। अरे भाई सामने से आदमी मर्डर करके चल जाता बिहार का, रसकोल हेलेगा उसके बाद इनको टाटा बाय बाय करेगा वहीं से। एक बात आप लोगों को बताएं, आप लोगों को नहीं पता होगा, आप लोग नहीं पता, आप लोग वीडियो देखते हैं ना, मैं जाता हूँ बच्चिया सबको लाने, जो काजल है और जो हमारे आर्मी जवान की पत्नी है सहेली है, मैं अपनी गाड़ी से रोज जाता हूँ, लाता हूँ ले जाता हूँ, पता है वो क्या कहती है? भैया इधर सुन लीजिए, पता है क्या कहती है? वो रोती है और बोलती है कि भैया आप नहीं होते तो हमारे आर्मी जवान को मार दिया गया होता। सही बात है। वो रोती है कि हमारे पति अभी शादी हुआ है उनको नहीं निकाला जा रहा है। ऐसा कुछ लंगू नहीं है। सुनिए, उसकी लड़की की परीक्षा थी या औरत की परीक्षा थी, परीक्षा जरूरी है कि गाड़ी को थाना में ले जाना जरूरी है? आप परीक्षा जरूरी है, परीक्षा दोबारा होगा? गाड़ी आप वहीं सीज कर लीजिए, गाड़ी सीज कर लीजिए, और जो भी नंबर नोट कीजिए, नियम ये है। और दूसरा हम भैया हम लोग का डिपार्टमेंटल केस होता है, हम लोग की यूनिट में भेजिए, कंप्लेन करके भेजिए, हमारा आई कार्ड ले लीजिए, आई कार्ड के ऊपर कंप्लेन कीजिए, जो सजा देना होगा हमको भारतीय सेना देगी, ये रूल है। चलान भी काटिए ना, ऑनलाइन काट दीजिए, 10,000-50,000 काट दीजिए। जितेंद्र कुमार जो कर्मचारी ऐसा किए थे उनको लाइन हाजिर किया गया, लाइन हाजिर से हो जाएगा? देखिए थोड़ा ये लोग जैसे अफसर है ना, ये लोग जाते हैं तो ठेला वाला का ठेला पर बैठ जाएंगे, रिक्शा वाले के रिक्शा पे बैठ जाएंगे, और जब वो पैसा मांगा रहो वर्दी नहीं का देखो समोसा जाके खा लेंगे। ये कुछ लोग है, सब लोग ऐसे नहीं है। लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन उस जवान को जो उसके पत्नी के सामने सरेआम पीटा गया, कि क्या उसका वापसी हो जाएगा उसको लाइन हाजिर करने से? और अभी नहीं आएगा, रिहा भी नहीं किया गया। अब सोचिए उसके सर्विस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसकी बच्चे के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, पत्नी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? इसे पूरे दुनिया में भारतीय सेना की शर्मिंदगी और धब्बा, ये पूरे मैसेज जा रहा है भारतीय सेना का। देखिए आर्मी हमारे ज्यादा खिलवाड़ हुआ है, बहुत ज्यादा आर्मी रोल मॉडल होते हैं, हम लोग के लिए हीरो होते हैं,
आप हर पत्नी का उसका पति हीरो होता है, चाहे मेरी पत्नी हो इनकी पत्नी हो, उनके नजर में वो हीरो होता है। लेकिन एक आर्मी हीरो और प्लस में उसका पति हीरो और उस पत्नी के सामने मारा जाता है, तो सोचिए उसके मतलब उसके चरित्र पे कैसा लग रहा होगा कि मेरा पति एक तो जवान है और एक तो मेरा हीरो है, और इस तरह से दोहरा चेहरा गुंडाई वाला चेहरा दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। और ये जो किए हैं उनका पूरा वर्दी जो है, वर्दी का गर्मी उतर जाएगा, बबुआ जाके गाँव में पकौड़ी वकौड़ी बेचेंगे, मामला सब शांत। आपको क्या लगता है ये आंदोलन कहाँ तक चलेगा? हाई कोर्ट ले जा रहे हैं हम लोग। हमने आपसे बोला कि यहाँ से रिहाई होंगे, हाई कोर्ट टोटल खर्चा हम लोग देंगे, खुद जाके लड़ेंगे। इतना बात याद ऑन कैमरा ये कह रहे हैं, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हाई कोर्ट के वकील हमारे अंकल है, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि जब आर्मी का जवान का बात है तो हाई कोर्ट में ये मामला जाएगा, और जो जो इसमें इन्वॉल्व होगा, चाहे वो क्या नाम है उनका, जितेंद्र कुमार और उनके आसपास के जो इर्द गिर्द लोग हैं या जो उनको बचाने के चक्कर में लगे हैं, सब पे गाज गिरेगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ के प्रशासन के द्वारा जितेंद्र कुमार जो पुलिसकर्मी उनको बचाने की काम की जा रही है? देखिए, एक होता है कि वर्दी वाला का मदद करता है, सर्वे जानते हैं, लेकिन अगर वो सही है तब आप मदद करिए। यहाँ के एसपी साहब को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसका त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पुलिस अधिकारी को सजा देना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए। आप लोगों ने ज्ञापन डिसमिस प्लस, देखिए डिसमिस प्लस जुर्माना। एसपी साहब को आपने कोई आवेदन दिया इस मैटर को? देखिए, सबको दिया गया है, सबसे मिला गया। एसपी साहब का क्या बयान रहा इस पे? देखिए, एसपी साहब अभी कुछ नहीं बोल रहे, शांत है, मौन है।